उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चंद्रयान 3 की जो यात्रा है वो आज कामयाब तौर पे मुकम्मल होगी। हम उस इंतज़ार में हैं कि कब चांद से तस्वीर और रील उस जगह से भेजी जाएगी जहां पे आज तक किसी भी मुल्क ने, जिसको अंग्रेज़ी में सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, वो नहीं किया है। अगर चंद्रयान 3 की ये यात्रा आज कामयाब हुई, जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो हम उन मुल्कों के साथ गिने जाएंगे जिन्होंने चांद पे इस तरह का काम किया है। और साउथ जो पोल है चांद का, ये पहली मर्तबा होगा कि किसी भी मुल्क ने यहाँ पे इस तरह का प्रोब भेजा होगा। आपकी तरह हम भी अब एक नज़र इस पे लगाए बैठेंगे और उम्मीद की कामयाबी रखेंगे। मैं उन तमाम वकीलों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। शुरुआत कपिल सिब्बल साहब से हुई और शायद आखिर में, अगर जो कल चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे, शायद मुजफ्फर बेग साहब या गोपाल शंकर नारायण इसमें आखिरी वकील होंगे। मैं एक एक का शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि हर एक ने इसमें हिस्सा लेके एक तो जम्मू कश्मीर के उन लोगों को जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं थे, उनको ये एहसास दिया कि वो अकेले नहीं हैं, और मुल्क के सबसे बेहतरीन वकीलों को जम्मू कश्मीर के हक में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में वाकई हमें लगा कि हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। बहुत हेवी और कॉन्स्टिट्यूशनली एप्ट जो आर्ग्यूमेंट्स रही, मैं तो अपनी जगह मुतमईन हूँ कि इससे बेहतर शायद हम कर नहीं सकते थे। अब इंतज़ार करेंगे हुकूमत का जवाब क्या रहता है और फैसले का।